हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश शर्मा। वेलकम टू बायोटोनिक क्लासेस। आज अपना टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में दो तीन पॉइंट सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़े थे, जैसे कि बेटा इसका नाम क्या है, दूसरा निडेरिया। क्या नाम है इसका? निडेरिया। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा था सिमेट्री, सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। फिर हमने पढ़ा था रेडियल के बाद में हमने क्या पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहां होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। उसके अब ये कितना हो गया, तीन पॉइंट जो थे हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे, ठीक है। अब हम नया पढ़ते हैं बेटा। सिलेंट्रेटा जो होते हैं ना, इसके मेंबर्स जो होते हैं, इनमें डाइजेशन किस टाइप का होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, सेल के बाहर। किस टाइप का होता है, तो याद रखना सिलेंट्रेटा में दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन। बेटा आया समझ में, दोनों टाइप का डाइजेशन यहां पर होता है, आया समझ में। इसके बाद में हमें देखना है कि बेटा ये जो सिलेंट्रेट्स है ना, इनमें बस और बस एनसीईआरटी में दे रखा है सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है बेटा, सिंगल ओपनिंग होती है, और उस सिंगल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यहां पर बोला है माउथ, ठीक है बेटा। और ये माउथ कहां पाया जा रहा है, हाइपोस्टोम पे। माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। अब हाइपोस्टोम क्या होता है बेटा, सिलेंट्रेट्स के मेंबर में वो स्ट्रक्चर जो माउथ के आसपास होता है, या सिलेंट्रेट्स में माउथ जहां पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर पर पाया जाता है, उसको क्या बोलते बेटा, हाइपोस्टोम। आया समझ में, जैसे हमारे जबड़े वगैरह है ना और माउथ यहां पाया गया है, वैसे ही वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोस्टोम, वहां पर माउथ पाया जाता है। आ रहा है समझ में, तो यहां क्या होता है, सिंगल ओपनिंग। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहां सिंगल ओपनिंग होती है, आया समझ में। और कंप्लीट क्या होता है, जिसमें दो ओपनिंग होती है। यहां क्या लिखा है, सिंगल ओपनिंग। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सिंगल ओपनिंग, लेकिन यहां एनसीईआरटी में यह नहीं बोला है कि इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन यह हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी हर चीज नहीं लिखती कि यह क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमेशा याद रखना कि सिलेंट्रेट में जो है वो किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म बोल रहा हूं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही सिलेंट्रेटा में होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑप्शन में सिलेंट्रेट्स भी रहेगा, प्लेटिहेलमिंथेस भी रहेगा, तो हम किसको चुनेंगे। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन जैसे कि आया, उसने क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन क्या आया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन, ठीक है। पहला ऑप्शन है बेटा प्लेटिहेलमिंथेस, दूसरा ऑप्शन आया सिलेंट्रेटा, तीसरा ऑप्शन आया टीनोफोरा, और चौथा ऑप्शन आया बेटा कोई भी फाइलम ले लो, ए टू जेड कोई भी फाइलम ले लो, जैसे कि एस्किहेलमिंथेस। अब क्या हुआ, उसने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट काइंड में, ठीक है। तो देखो, जब चार ऑप्शन अलग अलग आएंगे, अलग अलग ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या देखना है, बस एक ही चुनना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, प्लेटिहेलमिंथेस। आ रहा है समझ में। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज हुआ बेटा, यही क्वेश्चन चेंज कैसे हुआ, कि यहां उन्होंने दो ऑप्शन ना देकर बोल दिया प्लेटिहेलमिंथेस सिलेंट्रेटा बोथ ए एंड बी,
या फिर नॉन। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेलेक्ट करना है सी ऑप्शन, बोथ एंड बी। तो याद रखिएगा, जब जब ऑप्शन में दो मल्टीपल आंसर हो तो आपको दोनों ही सेलेक्ट करना है, सिंगल आंसर देना है तो प्लेडियल मेथड करना है। समझे आप? मुझे लगता है आप ये इस क्वेश्चन के जरिए समझ गए होंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अब हम और पॉइंट्स देखते हैं सिलेंट डेटा के बारे में। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंटेड सिलेंट डेटा, सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, आया समझ में? अब हम देखते हैं बेटा, देखिए जो पोरीफेरा था उस वो पोरीफेरा बेटा जनरली मेराइन थे। ठीक है, लेकिन सिलेंटेटा जो है ये क्या है, मोस्टली मेराइन है। क्या है बेटा? मोस्टली मेराइन है। आया समझ में? क्या है, इस पे फोकस करना है हमें, मोस्टली मेराइन है। पोरीफेरा क्या थे? जनरली मेराइन थे, ये हो गए मोस्टली मेराइन हो गए। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, यहां एक एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा जो है, क्वेश्चन इसका आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि हाइड्रा क्या है। हाइड्रा जो है ये है फ्रेश वाटर, मतलब बेटा ये कहीं पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली तो मेराइन होता है सिलेंट्रेट्स, लेकिन ये क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कौन? हाइड्रा। ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप याद रखना बेटा कि जैसे कि जो पोरीफेरा थे बेटा, मैं आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा हमेशा। ठीक है, जो पोरीफेरा था उस पोरीफेरा में जो स्केलेटन था वो काई का बना था, स्पॉन्जिन फाइबर का, मींस स्पिक्यूल्स का। यहां पर सिलेंट्रेट में कुछ मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का नाम है कोरल्स। क्या बेटा? कोरल्स। ये जो कोरल्स है ना बेटा, इन कोरल्स में याद रखना इनका जो स्केलेटन बना होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आ रहा है समझ में? कोरल्स क्या है? कोरल्स जो है ये कुछ मेंबर हैं सिलेंट्रेट्स के, जिनमें बस और बस कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। क्या होता है? स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, तो कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और ये बहुत ज्यादा नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है। कोरल्स, पहली बात तो क्वेश्चन बन गया, कोरल्स आते कौन से फाइलम में? सिलेंट्रेट्स में। फिर कोरल्स की स्केलेटन जो है वो काय की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। आया समझ में? अब हमें देखना है वो है सेंट्रल, सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर केवेटी। ठीक है बेटा, क्या है? सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर केवेटी इसके सिलेंट्रेट्स के मेंबर में पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, एक और पॉइंट है कि जो मेंबर है सिलेंट्रेट्स के वो बेटा या तो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं या सीसाइल हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? फ्री स्विमिंग और सीसाइल। मीनिंग क्या है? देखो, सीसाइल का मतलब जैसे कि नदी है, इस नदी में मैं खड़ा हूं, बस खड़ा हूं, इसको हो गया सीसाइल। मींस एक ही जगह स्थिर होना सीसाइल होता है। फ्री स्विमिंग मींस मैं इसमें तैर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? फ्री स्विमिंग, मतलब तैरता ही जा रहा हूं पूरे तालाब में, वो क्या हो गया? फ्री स्विमिंग हो गया। तो इसके मेंबर जो है अलग अलग, कोई सीसाइल होगा कोई फ्री स्विमिंग होगा, ये हमें अभी और डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा कि ये जो बताइए आप, ये जो निडेरिया है ये नाम आया कहां से होगा? ये जो निडेरिया नाम है सिलेंट्रेट्स का ये आया कहां से होगा? तो याद रखना, ये जो निडेरिया नाम है सिलेंट्रेट्स का ये आया है नीडोब्लास्ट से, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। क्या बोला मैंने? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। अब ये क्या होता है? ये होता है, ये जो डायग्राम इतनी देर से बना हुआ है ये नीडोब्लास्ट का ही डायग्राम है, और इसी को बेटा नीडोसाइट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, ये नीडोब्लास्ट का डायग्राम है इस तरह से। ठीक है, इसमें देखो ये नेमेटोसाइट होता है, और उसके बाद में इसमें न्यूक्लियस की लेबलिंग, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं है,
लेकिन आप एक बार लेबलिंग कर लेना, इसको क्या बोलते हैं नेमेटोसाइड, और ये जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट जो है होता क्या है। तो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट बेटा ये स्टिंगिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। अब ये पाए कहां जाते हैं, याद रखना बेटा। अब स्टिंगिंग सेल्स जो है ये पाए कहां जाते हैं, ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, सिलेंटेड्स की पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और उनके टेंटिकल्स में पाए जाते हैं। एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या होता है? कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में जो उसके सारे के लिए उसके अपेंडेजेस जो होते हैं उसको टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लिम्स है वैसे ही इनमें उनके जो सारे के लिए कुछ चीज होगी उसको टेंटिकल्स बोलते हैं। तो याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट जो है बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, तो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और उनके टेंटिकल में पाए जाते हैं। अब बेटा ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स हैं इनमें अंदर होता क्या है, तो याद रखना बेटा इनमें अंदर होता है निमेटोसाइट। क्या होता है? निमेटोसाइट। ये बताया ना मैंने अभी, देखो ये नीडोब्लास्ट है, इसके अंदर क्या है? निमेटोसाइट। निमेटोसाइट इसको एक और नाम दिया गया है, निमेटोसाइट को एक और नाम से जाना जाता है, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग बेटा कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। निमेटोसाइट को ही स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं, निमेटोसाइट को ही स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। ये कहां पाए जाता है बेटा? ये कहां पाए जाते हैं? नीडोब्लास्ट के अंदर, नीडोसाइट्स के अंदर, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है? कैप्सूल जैसा। देखो बेटा कैप्सूल जैसा है ना, कैप्सूल जैसा इनका शेप होता है, नीडोब्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता दूं ये जो नीडोब्लास्ट है, नीडोसाइट है, ठीक है सर आपने बता दिया ऐसा होता है, इसके अंदर ये होता है, अरे काम क्या आता है? तो बेटा याद रखना इनके काम जो है, फंक्शंस जो है, तीन फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन है एनकोरेज, ठीक है। क्या होता है पहला फंक्शन? क्या बेटा? एनकोरेज। इसका मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, ठीक है। क्या होता है? अटैचमेंट। कोई भी बॉडी सरफेस से अगर इनको अटैच होना है तो वो क्या कर सकते हैं? नीडोब्लास्ट की हेल्प से सिलेंट्रेट्स अटैच हो सकते हैं। दूसरा फंक्शन है डिफेंस, ठीक है। क्या है? डिफेंस, ये खुद का बचाव इनसे कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे, मतलब इनके शिकार को ये होल्ड, मतलब पकड़ भी सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? नीडोब्लास्ट की हेल्प से ये कर सकते हैं। अब हम आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं, जिसमें टू फॉर्म्स पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, टू फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। ये डायग्राम है पॉलिप और मेडुसा का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स है, जो निडेरियन है, वो कौन कौन मेंबर जो है वो पॉलिप फॉर्म रखते हैं और कौन जो है वो मेडुसा रखते हैं, और इनकी अलग अलग खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो आपको पहले ही बता दूं मैं पढ़ाने से पहले कि बेटा आपको दो चीजें याद रखनी है, पॉलिप जो है वो या तो सिसाइल होगा या फ्री स्विमिंग होगा, या उसका शेप सिलेंड्रिकल होगा या अम्ब्रेला होगा। बस ये दो चीज याद रखना है। हम एक को याद रखेंगे पॉलिप को, तो मेडुसा अपने आप याद होगा। कैसे? तो बेटा और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, याद रखना आप, जो पॉलिप है वो होता है सिसाइल। क्या होता है? सिसाइल, मीन्स एक ही जगह स्थिर रहता है, ठीक है, एक ही जगह स्थिर रहता है पानी में। और दूसरा है, दूसरा क्या बेटा, कि ये सिलेंड्रिकल होता है, मतलब शेप जो होता है उसका क्या होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ट्रिक क्या बन गई? ट्रिक बन गई पीएससी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, एक एग्जाम का नाम है, कंपटीशन एग्जाम होती है, उसको बोलते हैं पीएससी, गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं पीएससी एग्जाम, ठीक है। तो पी जो हो जाएगा उसको पॉलिप, एस जो हो जाएगा सिसाइल, और सी जो है सिलेंड्रिकल होता है। अब आप बताइए बेटा कि मेडुसा, ये अगर सिसाइल है पॉलिप तो ये क्या हो जाएगा? फ्री स्विमिंग। आ रहा है समझ में? एक याद करना, दूसरा अपना होगा बेटा। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला। आपको माइंड में दो चीजें रखनी है, या तो सिलेंड्रिकल या अम्ब्रेला, या तो सिसाइल या फ्री स्विमिंग। ये याद है तो ये अपना भी याद होगा। अब मैं बता दूं कि कौन से मेंबर जो मेडुसा फॉर्म रखते हैं, कौन से मेंबर जो पॉलिप फॉर्म रखते हैं। तो याद रखना बेटा, यहाँ एक एग्जाम्पल मेडुसा में, वो है ओरेलिया। क्या है? ओरेलिया।
ओरेलिया का एक और नाम है बेटा, वो है जेलीफिश। जेलीफिश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो एनिमल किंगडम में एग्जांपल ही सब कुछ है, ठीक है, एग्जांपल से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यहां क्या हो जाएगा, यहां एग्जांपल्स हो जाएंगे हाइड्रा। क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रा। एक और क्या हो जाएगा, एडम्सिया। एडम्सिया तो देखो पॉलीफोम को रखता है हाइड्रा और एडम्सिया, और मेडुसा फोम जो है वो ओरेलिया रखता है, इसको जेलीफिश बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल तो याद हो जाता है, दो में कभी कंफ्यूज हो तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे कि साउथ इंडियन वगैरह या कहीं भी हो, वहां पे एक नाम सुना होगा आपने, पोड़ा बोलते ना अपन, पोड़ा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ किसी को, मतलब मेरा कोई दोस्त है उसको चिढ़ाने के लिए, हाय पोड़ा, तो क्या बोलेंगे, एक वर्ड ऐसे, देखो मुझे नहीं आता है कुछ भी, क्या बस ट्रिक बता रहा हूँ मैं, हाय क्या बोलेंगे, हाय पोड़ा, हाय पोड़ा, हाय से हो जाएगा हाइड्रा और पीओ जो हो जाएगा उसको पोलिप, और एडी इसको उल्टा करेंगे, एडी एडम्सिया, ट्रिक है। अब ये हमें ट्रिक याद करना है। अब देखो ये ट्रिक उनके लिए जिनको कंफ्यूज होते हैं, अगर कंफ्यूज नहीं होते तो कोई जरूरत नहीं ट्रिक की, बस हमें ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। अब हमें देखना है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है, मेटा जेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है याद रखिएगा, ये क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जनरेशन कौन सी, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, छह महीने कोई ऐसा है, छह मतलब जैसे कोई सिलेंड्रेट्स है, वो छह महीने पॉलिप फॉर्म में रहेगा और उसके अगले छह महीने मेडुसा में रहेगा, फिर छह महीने पॉलिप, फिर छह महीने मेडुसा, ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। वैसे यहां पर क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अब हम और देखें इसको आगे, तो कौन से एग्जांपल्स में होती है, मींस कौन से सिलेंड्रेट्स में होती है और ये क्या होती है। तो बेटा याद रखना, इसमें क्या होता है, पॉलिप, जो पॉलिप फॉर्म है, जो पॉलिप फॉर्म है वो मेडुसा को बना देता है, मींस प्रोड्यूस कर देता है असेक्सुअली। और बेटा जो मेडुसा फॉर्म है ये पॉलिप को प्रोड्यूस कर दे सेक्सुअली। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है पॉलिप मेडुसा को असेक्सुअली बना देता है, मेडुसा सेक्सुअली मतलब मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली बना देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मींस देखो यहां पर क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, कभी पॉलिप बन रहा है मेडुसा से, कभी मेडुसा बन रहा है पॉलिप से, ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। और ये ऐसा कहां मिलता है, वो एग्जांपल है जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन बनने वाला है, वो है ओबेलिया। ओबेलिया ये आपको याद रखना है, ओबेलिया ऐसा एग्जांपल है, ओबेलिया ऐसा एग्जांपल है जहां मेटाजेनेसिस होता है या फिर जहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप एंड मेडुसा का। अब ये कभी बहुत सारे को याद नहीं होता है, तो बेटा आपको याद रखना है पी ए एम, ट्रिक। पी ए एम मतलब क्या होता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअल, ठीक है। देखो रीडिंग करने का क्या तरीका है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअल, ठीक है। या फिर आप पी एम से करके आप कैसे कर सकते हैं, देखो पी ए एम, पी ए एम मैंने ऐसे बनाया, आप क्या जैसे मन हो वैसे रिलेट करके पी ए एम को प्रोनाउंस करना है आपको, और ये मेटाजेनेसिस हमारा हो गया। अब हमें देखना है जो सिलेंड्रेट्स है बेटा उनके एग्जांपल्स। फिसला आदमी, फिसला आदमी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, फिसला आदमी पहनावे में, पहनावे में, पहनावे में, फिसला आदमी पहनावे में
गौरी मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग निकली। क्या बोला मैंने? पहले इसको याद करना है, फिर एग्जांपल बताऊं। फिसला आदमी पहनावे में, फिसला आदमी पहनावे में गोरी मोना डार्लिंग निकली। आ रहा जाना। अब जो हिंदी में लिखा हूं ना मैं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। हिंदी में जो लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कोई प्रोनाउन, मतलब कोई भी डिनोट नहीं होगा एग्जाम्पल। बस वो जो मैंने लिखा है इस तरह से, जो हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज है, यही डिनोट करेगी कि कौन कौन एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं। देखो फिसला से आएगा यहां पर फाइसेलिया, फाइसेलिया इसको बोलते हैं बेटा पोर्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर, ठीक है बेटा। आदमी से आएगा एडम्सिया, बेटा इसको बोलते हैं सी एनिमोन। फिर आएगा पहनावे, इसमें आएगा पेनटुला, इसको बोलते हैं सी पेन, ठीक है बेटा। फिर जो मैसेज कोई मतलब नहीं है, गोरी जो है यहां पर बताएगा गोरगोनिया, ठीक है। ये था पेनिटुला, गोरगोनिया जो है उसको बोलते हैं सीफेन। उसके बाद जो मोना डार्लिंग है, ये एक ही वर्ड, एक ही एग्जांपल को डिनोट करेगा, वो है मिंड्रिना। मिंड्रिना को क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल्स। आए समझ में? तो बेटा ये जो एग्जांपल्स हैं, आपको ये वाले नाम जो दूसरे नाम है तो खुद से ही याद रखने पड़ेंगे। और ट्रिक जो है, मेन चीज क्या होती है, ये होते हैं। ये कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, फिसला आदमी पहनावे में गोरी निकली मोना डार्लिंग। आए समझ में? क्या बोलेंगे? फिसला आदमी पहनावे में गोरी निकली मोना डार्लिंग, या गोरी मोना डार्लिंग निकली, ठीक है। तो कहानी को आप रिलेट करके देखिए, एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ट्रिक बताते हैं, क्या बताते हैं कि जैसे कि ये इसको पहले कर देंगे, एडम पास इन फिजिक्स एंड गोट मेडिकल कॉलेज, ये भी याद रख सकते हो आप, एडम पास इन फिजिक्स एंड गोट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा फनी था इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको जो नए नोटिफिकेशन हैं वीडियो के वो जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।